जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शक्ति जिले में पीएम मोदी का विजय संकल्प शंखनाद महारैली में उमड़ा जनसैलाब। शक्ति जिले में आज पीएम मोदी का विजय संकल्प शंखनाद महारैली में जनसैलाब उमड़ा। भाजपा के प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़ी के पक्ष में चुनावी प्रचार हेतु मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित कई दिग्गज नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। आज नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सरकार को तंज कसते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार की सरकार कहा। विष्णुदेव सहाय के कार्यकाल में मोदी गारंटी को उपलब्धि की गिनाते हुए भाजपा सरकार के पक्ष में वोट मांगे। पीएम मोदी ने कमलेश जांगड़ी को वोट करने की अपील की है। कहीं अरुण शर्मा, कुशावंत साहिब, गुहाराम अजकले, ओपी चौधरी ने भी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने अपने उद्बोधन में कहा कि मोदी गारंटी को हम क्रमशः सभी का पालन कर रहे हैं और प्रदेश की जनताओं को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। चाहे धन के बोनस की बात हो या फिर महतारी वंदन योजना के पैसे की बात हो, सभी को उपलब्ध हो रहा है। और क्या कुछ कहा जाने के लिए देखें जैक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में जिला रिपोर्टर महेंद्र बरेट के साथ। हमार बहने भाई दद्दा और जम्मो संगवारी मल्ला मोर जय जोहार। कोसा कांसा और कंचन की धरती पर आज एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। कुछ महीने पहले मैं विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। भाजपा के हर साथी को आप सबने बहुत आशीर्वाद दिया। हमारे सेवा भाव को मान दिया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आज फिर से आपके लिए पास आशीर्वाद मांगने आया हूं। तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आपके भरपूर आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। पिछले 10 साल में अपना देश बहुत आगे आया है, लेकिन बहुत सारा काम बाकी है। और छत्तीसगढ़ में तो मुझे पिछली सरकार ने मेरे कोई भी काम यहां आगे बढ़ने ही नहीं दिए। अब विष्णुदेव जी है तो वो काम भी मुझे पूरे करने हैं। दस साल आपने मुझे देखा है, मैं लगातार आपके लिए दौड़ता रहता हूं कि नहीं दौड़ता रहता हूं, काम करता रहता हूं नहीं करता रहता हूं, एक भी छुट्टी लिए बिना काम करता हूं नहीं करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं नहीं करता हूं, और सब आप ही के लिए कर रहा हूं ना। मुझे बताइए, आपके लिए कर रहा हूं ना? मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूं ना। बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है। अब मुझे बताइए, आप लोग तो बहुत उदार हैं, बहुत आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, और मैंने जब जब आपसे आशीर्वाद मांगा आपने कोई कमी नहीं रखी है।
लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, अगर मोदी आप कहते इतना काम करता है, सब लोग सोशल मीडिया में कहते हैं मोदी कितना काम करता है, अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, अब मोदी इतना सारा करता है, क्या आपको मोदी के लिए एक घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 7 मई को वोट देने के लिए मोदी के लिए एक घंटा निकालोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, निकालोगे? मोदी को वोट करोगे? पक्का करोगे? आपको जांजगीर चंपा से हमारी छोटी बहन कमलेश जांगड़े और रायगढ़ से हमारा छोटा भाई राधेश्याम राठिया जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में मेरी मदद के लिए भेजना है? भेजेंगे? ये दोनों मेरे साथी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार ने के लिए दिल्ली में मेरा साथ देने वाले हैं। करेंगे? मुझे मां चंद्रहासिनी, अष्टभुजी मैया, शिवरी नारायण, गिरोदपुरी धाम, तुरी धाम, दमाखेड़ा की कृपा और आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर अटूट भरोसा है। इसी भरोसे के कारण ही पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है फिर एक बार। साथियों, आज मेरा सौभाग्य है आज यहां मंच पर मेरे साथ पूज्य आचार्य मेहतर राम जी रामनामी और माता सेतबाई रामनामी भी रूबरू हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और मेरे लिए तो खुशी है कि 22 जनवरी को अयोध्या में आकर के भी मुझे आशीर्वाद दिया था। रामनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन, श्री राम के प्रति अपने समर्पण और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। कहते हैं रामनामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। मोदी के जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिला, अयोध्या के जिस मंदिर की उम्मीद कभी देश छोड़ चुका था, सबने मान लिया तब तो मामला खत्म नहीं होगा, उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये कमल वालों ने किया है। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे, हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें
तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के सातवें आसमान के अहंकार ने, वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठक के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है? माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? और ये क्षेत्र तो माता शबरी का स्थान है, छत्तीसगढ़ तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? क्या ये माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? साथियों, धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई थी। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक भी छीनना पड़े तो वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। हमारी प्राथमिकता गरीब, युवा, महिला और किसानों का कल्याण है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया और अपने नेताओं की तिजोरी भरती रही, लेकिन मोदी ने नारेबाजी नहीं की, मोदी ने आपसे नाता जोड़ा, नारा नहीं दिया। और मोदी ने 10 वर्ष में 25 करोड़ मेरे देशवासियों के जो गरीबी में जिंदगी जीते थे, मुसीबत में जीते थे, जिनके सपने बचे नहीं थे, उन गरीबों को, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। साथियों, गरीब कल्याण के लिए हमारी नीति भी सही है और उससे भी ज्यादा हमारी नीयत सही है। और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं और उसके कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। हमारे पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। हम जो कहते हैं उसको करने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखते, हर चुनौती को चुनौती देते हैं और उसे पूरा करके रहते हैं। अब देखिए, हाँ, हमारा धान का उदाहरण ले लो, पानी होने के बावजूद यहां का किसान कम फसल उगाता था। फसल कम इसलिए उगाता था क्योंकि खरीद कम होती थी, भाव कम मिलता था, ऊपर से पैसा समय पर मिलता भी नहीं था। लेकिन आपने देखा, हमारे नए मुख्यमंत्री भाई विष्णुदेव साय जी और उनकी पूरी टीम ने आते ही कमाल कर दिया। 2 साल का बाकी बकाया जो था ना, वो भी आपके चरणों में सुपुर्द कर दिया।
रिकॉर्ड एमएसपी पर प्रति एकड़ रिकॉर्ड खरीदी भी की गई है। 45,000 करोड़ रुपए इतने कम समय में यहां धान के किसानों को मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी गारंटी भी पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी 7,000 करोड़ रुपया मिले हैं। और अब मोदी की गारंटी है कि ये पैसे ऐसे ही आगे भी आप मेरे किसान भाई बहनों को मिलता रहेगा। साथियों, भाजपा सरकार खेती में हमारी माताओं बहनों की भागीदारी को भी कई गुना बढ़ाने में जुटी है। ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्निक खेती की लागत कम करने वाली है। और ये जो ड्रोन क्रांति आने वाली है, उसका नेतृत्व हमारी बहनें करेगी, हमारी आदिवासी बहनें करेगी। नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को पहले ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है और सरकार उनको महंगे ड्रोन भी दे रही है। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की देश भर में बहुत चर्चा है। यहां लाखों बहनों को हर महीने सीधी मदद पहुंच रही है। मोदी ने भी गारंटी दी है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। बेटी, आप कब से ये फोटो लेके खड़ी हो, थक जाओगी। ये क्या करना है, मुझे देना चाहती हो, मुझे देने के लिए लाई हो? भाई जरा लेकर के मेरे एसपीजी के लोगों को दे दीजिए। बेटा पीछे अपना नाम पता लिख देना, अपना नाम पता लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। अच्छा इधर भी है, ये कौन है, किसने किया है? ये तो बहुत बड़े बड़े मेहरबान लोग हैं। साथियों, ये जो नमो ड्रोन दीदी वाला मेरा अभियान है, इससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी, वन धन केंद्रों से जुड़ी यहां की लाखों बहनों को सीधा लाभ होगा। साथियों, भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। यहां जांजगीर चांपा में करीब 50,000 परिवारों को पक्के घर मिले हैं। जांजगीर चांपा में ही करीब 2 लाख नए नल कनेक्शन दिए हैं। करीब 3 लाख बहनों को यहां सस्ते सिलेंडर वाला उज्ज्वला कनेक्शन भी दिया। भाई और बहनों, मेरे लिए आप ही मेरा परिवार है, मेरा भारत मेरा परिवार। परिवार के हर सुख दुख की चिंता करना मेरा भी दायित्व है और इसलिए मैंने तय किया है कि मुफ्त राशन देने वाली योजना आने वाले 5 साल तक चलती रहेगी। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी यहां के लाखों परिवारों को मिल रही है।
अब छत्तीसगढ़ के जितने भी परिवार हैं, उनमें जो भी बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, अब आप अगर आपके परिवार में 70 साल से ऊपर की उम्र को कोई परिवार के माता पिता दादा दादी नाना नानी चाचा चाची अगर कोई बीमार हो जाए तो आप इलाज कराने में जरा भी कंजूसी मत करना, अच्छे से अच्छे अस्पताल में उपाय करना, इलाज करना, खर्चा आपका बेटा देगा। भाइयों और बहनों, 2014 से पहले करीब 60 वर्ष तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधा या रिमोट से सरकार चलाई। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि दलित पिछड़े आदिवासियों की भागीदारी बढ़े। 2014 में आपने अपने बीच से आए मोदी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं आप लोगों के बीच से निकला हुआ हूं, मैं गरीबी को जी करके आया हूं। जिन मुसीबतों को आपके माता पिता ने झेला है ना, वो मैंने भी झेली है। आज देखिए, इसी के कारण भाजपा ने एक दलित परिवार के बेटे को देश का राष्ट्रपति बनाया, और कांग्रेस देखिए, उनका भी विरोध किया। भाजपा ने देश को पहली आजादी के इतने साल बाद पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का फैसला किया। अब मुझे बताइए, इसमें कांग्रेस का क्या जाता था भाई? कांग्रेस ने स्वागत करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? कांग्रेस ने साथ देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? लेकिन आदिवासियों की घोर विरोधी कांग्रेस ने एक आदिवासी बेटी जब राष्ट्रपति बन रही थी उनका भी विरोध किया और जीत गई तो अनाप शनाप बोल करके उनका अपमान भी किया। यहां छत्तीसगढ़ में आपने भरोसा जताया तो हमने मेरे साथी अरुण साव जी को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन कांग्रेस को गरीब दलित पिछड़े आदिवासी परिवारों की सत्ता में ये भागीदारी पच नहीं रही। भाई और बहनों, कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे, अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया, और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साहजादे को बताई है। ये बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था वो भी लागू हो गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि उसने उसके नेता को कहा है, और ये सार्वजनिक करता है, उसका मतलब उस नेता ने उसको मुख सहमति दी है। ये सोची समझी चाल है देश को तोड़ने की। कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग।
भाई और बहनों, कांग्रेस के पास ना देश के लिए कोई विजन है और ना ही गरीब कल्याण की उसे एबीसीडी आती है। अब आप मुझे बताइए, गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनना चाहे तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा इंजीनियर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई थी कि अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते। मोदी ने आके तय कर दिया, अब गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, अंग्रेजी नहीं आएगी, गांव के स्कूल में पढ़ करके आएगा, अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो बनेगा। ये काम हम करते हैं। मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करता है तो कांग्रेस कहती है ये तो मुद्दा ही नहीं है, यहां का कोसा, हमारा कोसा सिल्क दुनिया भर में छा जाए, मोदी इसके लिए समर्पित है। और इसलिए मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं। यहां जो हमारे विश्वकर्मा साथी हैं, कांसे को शानदार कला में ढालते हैं, दूसरे शिल्प में जुटे हैं, ऐसे साथियों के लिए हमने 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना बनाई है। हम ऐसे विश्वकर्मा साथियों को आर्थिक मदद दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए भी पीएम जनमन योजना बनाई है। इस योजना पर भी करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, गरीब सेवा के मोदी के इन प्रयासों पर या कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? या कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये कैसे लोग हैं? कांग्रेस के नेता ने पूरे मोदी समाज को गालियां दी थी, साहू समाज को गालियां दी थी। हम मोदी का सिर फोड़ने की बात कर रहे हैं, ओबीसी समाज को गालियां दी थी। भाजपा ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, मेडिकल की पढ़ाई में आरक्षण दिया, गरीबों की संतान ने भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके इसलिए मैंने मेडिकल और इंजीनियर की पढ़ाई स्थानीय भाषा में शुरू करने का काम किया। लेकिन यहां कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि मोदी मर जाए। अब बताइए, माला जप रहे? अरे जहां 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद होता है ना, वहां मौत को भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। साथियों, ये जो बौखलाहट है ये मोदी से नहीं है, ये आपके एक वोट की ताकत है ना, इसलिए ये कांप रहे हैं। ये महादेव घोटाले, शराब घोटाले, भर्ती घोटाले में चल रही तेज जांच की बौखलाहट है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचार ही बचाओ। ये कितनी भी गालियां दे, धमकियां दे, सर फोड़ने की बातें करे, मारने मरने की बातें करे, जब तक आपका सुरक्षा कवच है, छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद है, ये मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और साथियों, आपने देखा होगा कम से कम पिछले 30 साल से जब भी चुनाव आता है तो एक ही घिसी पीटी टेप रिकॉर्ड बजाते रहते, कानों कानों में कहते रहते, देखो ये भाजपा वाले आएंगे संविधान खत्म कर देंगे, बार हफ्ता भाजपा वाले आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे।
अरे कितने दिन झूठ चलाते रहोगे, मेरे शब्द लिख के रखिए, मोदी तो छोड़िए, भाजपा तो छोड़िए, अरे खुद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आकर के कहे ना तो भी होने वाला नहीं है, कोई संविधान बदल नहीं सकता है। और मेरी एक बात याद रखेंगे, इंडी गठबंधन को दिया आपका वोट, केंद्र में सरकार नहीं बना सकता। बीजेपी एनडीए को दिया आपका वोट, विकसित भारत बनाएगा।